देख बेटा, जो तो तूने किया ना हमारे साथ, अब हम हाँ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? जो क्या तूने मेरे बच्चे के साथ किया ना, वो मैं तेरे साथ करूंगा, तेरे बच्चे के साथ करूंगा, ठीक है ना? और ये क्या हो गया भाभी को? मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना माइकल, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यार जल्दी कर, हॉस्पिटल लेके जा, एम्बुलेंस। जी भाई, आपकी वाइफ को लोड कर दिए मैंने। लोड करने का क्या मतलब है? बीवी है मेरी भाई, लोड कर दिए। अच्छा, सॉरी, इजी लोड कर दिए। यार चपले ना मारो, मैं कह रहा हूँ जल्दी पहुंचाओ, मेरी बीवी की हालत बहुत नाजुक है, जल्दी करो प्लीज। अच्छा इजी लोड नहीं तो चले पैकेज कर दिए। यार मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। मोबाइलों वाली दुकान पे काम करता था क्या तू? नहीं, बचपन में अबू के साथ करता था। अबू के साथ करता था तो उधर ही रहता ना, ये एम्बुलेंस लेके क्यों आया फिर? अच्छा, सॉरी, आ जाए आ जाए, गुस्सा ना करें भाई। बैठ गए? हाँ हाँ बैठ गया हूँ। चले भाई, गाड़ी तो मैंने स्टार्ट कर दी, अभी निकालते हैं। यार क्या है आपकी वाइफ को? जिनकी वजह से मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई है उनको टेंशन ही नहीं है। होना क्या था यार भाई, उसने टेंशन ली है, पता नहीं क्या हुआ है, बेहोश हो गई है, धड़ाम से नीचे गिरी है वो। अच्छा, टेंशन ली और बेहोश हो गई है? हाँ बेहोश हो गई है। अच्छा, ऐसी कौन सी टेंशन दे रही थी यार आप? यार वो मेरा बहनोई के साथ झगड़ा हो गया था, वो घर आके मुझे धमका रहा था, तो फिर मेरी बीवी ने सुन लिया है। वो कह रहा था कि तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, बीवी को मार दूंगा, तो मेरी बीवी ने टेंशन लिया, वो बेहोश हो गई है, गिर गई है, पता नहीं अब क्या होगा। चले कोई मसला नहीं, मैं जल्दी जल्दी लेके जाता हूँ, यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, उधर पता कर लेते हैं। अस्पतालों में बहुत ज़्यादा पेशेंट भी हैं और छुट्टियाँ भी कर रहे हैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स, तो अगर यहाँ पर नहीं होता काम तो फिर चले जाएंगे गाँव की तरफ। एक हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है। यार गांव वाले हॉस्पिटल से तो नहीं अपनी बीवी का इलाज कराऊंगा ना मैं? अच्छा, शहर में भी है, वहाँ पर एक पोलिटो बे में, ठीक है? अच्छा वहाँ करा दें, वहाँ ठीक है। हाँ पोलिटो बे नाम होता है ना उसका। यार जो भी होता है प्लीज यार दिमाग नहीं खराब करो, जल्दी जल्दी ले जाओ बस। या फिर पलीटो बे होता है, ठीक है? जूतियाँ खाएगा तू मुझसे? अच्छा, जूतियाँ। यार आप अजीब से आदमी हो यार, पता नहीं क्या चबले मार रहे हो जब से आए हो, पागल खाने से भाग के तो नहीं आए हो? नहीं 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 भाई, पागल खाने में बंदे छोड़ता हूँ, रोज सुबह की शिफ्ट लगाता हूँ। अच्छा हाँ जी, और बाकी खाने की बात कर रहे थे आप, मैं जूतियाँ शूतियाँ नहीं खाता, देखे नान छोले खाता हूँ, पूड़ी हलवा। अच्छा हलवा पूड़ी? हाँ जी, पूड़ी और हलवा बहुत अच्छा होता है, आप भी खाया था नहीं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यार जल्दी पहुँचाओ प्लीज। अच्छा अच्छा मेरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? गुस्सा ना करूँ तो तुझे प्यार करूँ मैं? कल लें किराया पूरा लूँगा। किस बात का किराया भाई? यार एम्बुलेंस का किराया आप क्या समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ एम्बुलेंस फ्री है। हाँ तू ऐसे ही समझ रहा है, तेरे अबू जी की एम्बुलेंस है ना। यार वैसे तो एम्बुलेंस मुफ्त में चलती है, लोगों की मदद करने के लिए होती है, और तू पैसे ले रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं यार, शर्म की कौन सी बात है मेरे भाई, हक होता है हमारा। यार कौन सा हक होता है यार, ये तो गरीबों की मदद के लिए होती है। देखें आपको हुकूमत तनख्वाह दे देती है ना? नहीं देती, कुछ भी नहीं देती मेरे भाई, प्राइवेट अस्पताल में लेके जा रहे हैं आप अपनी वाइफ को। अच्छा, फिर ठीक है, तो वो तनख्वाह तो देते होंगे ना अस्पताल वाले आपको? झूठ बोल रहे हैं आप। अस्पताल वाले देते हैं बट एम्बुलेंस का अलग से किराया होता है, ठीक है ना? मेरा नहीं ख्याल किराया होता, मैं जाके आपके अस्पताल वाले से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ। कल ले बात कर। हाँ बात तो मैं करूंगा, बिल्कुल बात। और वो बजाए ना आपका जो होता है टी टी टी, ये बजा रहा हूँ, टी 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 टी, मुंह से ना बजा भाई, जो लगा हुआ सायरन वो बजा। कर लिए काम तमाम? कर लिया मेरी एम्बुलेंस का? तो खुद रहा तू साले, मुझे कह रहा काम तमाम तमाम करने आ जाते हैं बस एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस चलानी भी नहीं आती, ड्राइविंग लाइसेंस है तेरे पास? जी, लाइसेंस है। लाइसेंस नहीं होता। अच्छा, लाइसेंस लाइसेंस वही लाइसेंड, लाइसेंड भी नहीं होता, लाइसिन होता है भाई। ओ भाई ड्राइविंग सीखी भी है कहीं से या नहीं? जी सीखी थी मैंने यूट्यूब पे। यूट्यूब पे? एक तो आजकल हर बंदा हर चीज़ यूट्यूब पे ही सीख लेता है ना, ये बड़ा मसला है। नहीं और भी वेबसाइट्स हैं पर वो सिखा नहीं रही थी, ड्राइविंग गलत चीज़ दे रही थी आगे से। ऐसे मुंह तोड़ूंगा तेरा, फजूल बातें ना कर, मैं कह रहा हूँ जल्दी पहुँचा शाबाश, पता नहीं किधर ध्यान लगा हुआ है तेरा, मेरी बीवी को तू मरवा देगा आज। नहीं नहीं भाई, ये वो दूर है अस्पताल, ये वाला अस्पताल बंद है। फिर तेज चला यार, जल्दी कर शाबाश। जी, आपकी वाइफ आधे घंटे से बेहोश, क्या कह रहा? आपकी वाइफ खतरे में लग रही है मुझे। खतरे में लग रही है तो मैं क्या इतनी देर से तुझे क्या कहानियाँ सुना रहा हूँ, खतरे में ही है तभी तो कह रहा हूँ जल्दी चला। ये ना वफात पा जाए, मैं मुँह तोड़ दूंगा तेरा यार, और मेरी बीवी को कुछ हुआ ना मैं अपने बहनोई को घसीटूंगा कोर्ट में, देखना। तो उसने क्या किया मेरे भाई? उसने टेंशन दिया मेरी बीवी को, मेरी बीवी के सामने आके धमकियां दे रहा था मुझे। और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी मम्मानी की तबीयत खराब है? पापा आपने हमारी कोई बात सुनी थी? बात सुनी थी? जब तुम्हारी आंटी की तबीयत खराब थी तो तुम लोग वहाँ पर फायरिंग करने आए क्यों थे? पापा वो मामू ने कहा था मैंने बदला लेने। बदला लेना? बदला लेना ले लिया? बदला आराम आ गया? पापा छोड़े ना, अभी मुश्किल में मामू ने उनका साथ देने की बजाय आप ये कर रहे हैं। चाचू आप समझाएं इनको। क्या समझाऊं यार, पागल आदमी है, कब से दिमाग खराब कर रहा है, मेरा भी दिमाग खराब किए हुए। चल जल्दी कर यार, हॉस्पिटल ले जा। हॉस्पिटल ले जा? बकवास नहीं करो, पहले बदले की आग तुझे ही लगी हुई थी, मुझे नहीं थी। बदले की आग लगी थी? बकवास नहीं कर, देख चुप हो जा, झगड़ा नहीं बना इधर।
झगड़ा नहीं बना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इसको, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पापा इनको इतनी गोनी मारेंगे, गोनी मारे मोटे उबारे, चुप करो। हाँ वाचे गुच्छा ना दुकाए मेरे मामू को, एक तो आप लोगों ने तंग काढ़ के रखा हुआ। और ठीक क्या यार, चुप करो, कब से बेइज्जती करे जा रहे हो दोनों? बेइज्जती करे जा रहे हैं क्या? बेइज्जती करे जा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। तुझे तकलीफ थी, बदला लेना है, बदला लेना है, ले लिया। उस बेचारी मासूम लड़की का क्या कसूर था? हैं क्या कसूर था? तूने आके फायर खोले थे, मैंने फायर खोले ही नहीं थे, आते साथ ही फायर शुरू कर दिए थे तूने। यार मैं तो डरा रहा था फ्रैंकलिन को। हाँ तो डर गया ना, अब अच्छा हो गया, ठीक है, चुप हो जाए, सारा बदला तेरा पूरा हो गया। बदला तूने भी कहा था हम शीशे तोड़ेंगे उसके। पापा छोड़े ना लड़ाई वड़ाई, छोड़ा। वैसे मामू के लिए जाते हैं और मामू और आंटी के लिए फ्रूट लेके जाते हैं और उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी फिर। अच्छा, उस जमीर को पता भी था अगर वो मेरे से पंगा लेता तो मैं बदला लेने नाजमी आता हूँ, लेकिन उसने आके पंगा लिया। फिर भी लेने नाजमी आता तो हम क्या करें? तुझे गुस्सा आ रहा है भाई, तुझे तकलीफ हो रही है, तो खुद जा बदला ले। अब मुझे फंसा दिया, वो मेरे साथ नाराज हो जाएगा, खुदा ना खास्ता उसकी बीवी को कुछ हो गया फिर। वो कुछ नहीं होता यार, ऐसे ही बकवास कर रहा है तू, बकवास कर रहा है। बंदे का मुंह अच्छा ना तो बात अच्छी कर लेता है, ठीक है? हाँ तेरा तो बहुत मुंह अच्छा है ना, गंजे टिंडे शैम्पू पता नहीं कौन से लगाता है, बाल तेरे सारे उड़ रहे हैं हवा के अंदर, एक एक करके सारे बाल जा रहे हैं। कान के नीचे दो लगाऊंगा तेरे, कान के नीचे। छोटा भाई है, छोटा बन के रहा, ज्यादा बकवास नहीं किया कर। हमें कोई मुसीबत में ना बंदा कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लेता है। नहीं करता मैं अच्छा काम, जब किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी मत दिया करो। मैं पहुंचाऊंगा नुकसान, मैं पहुंचाऊंगा। ओए ड्राइवर जा जरा फ्रूट ले आ। ओ मैं थका हूं, साथ था मेरे साथ आए, सामने ठेला है, कहां से लाने हैं तूने? कल मैं सारा दिन गोलियां चलाता रहा, मेरे परेशान करता रहा, अपने बदले उतार रहा था। उतर अब जल्दी कर, चलना उतर ना, क्या देख रहा है? उतर उतर रहा हूं, उतर हूं, बहुत गुस्सा दिखा रहा है मुझे। फ्रूट लेने कौन कौन से लूं? आम माल्टे ले आ। अच्छा माल्टे ले आओ, गर्मियों में माल्टे ले आओ। आम किस तरह किलो है जी? आम जो है वो 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो, ठीक है। 500 रुपए किलो है, मजाक कर रहा था आपके साथ। 200 भाई, अल्लाह का नाम लो यार, कोट शर्ट देख के और गाड़ी देख के पैसे बढ़ा रहे हो यार, अल्लाह का नाम लो। कोट तो मैंने देखा ही नहीं आपका। इतना प्यारा कोट है, देख लो यार, 200 में देते हो, ठीक है, नहीं तो जा रहा हूँ। 300 रुपया, चलो ये वैसे खराब फ्रूट भी पड़े हैं मेरे पास, अगर वो चाहिए तो ठीक है। यार ये ऑफर तुमने बेचनी थी, कितने के खराब फ्रूट? चलें 200 रुपए किलो दे दूंगा, ये वाले नहीं देता। 200 यार, खराब फ्रूट यार, गाय। अच्छा 150, चलो 150 बस, चलो ठीक है, वो दो 150 में किलो, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ ये ऊपर से ये किरेट से अच्छे अच्छे उठा ले। हाँ ठीक है, उठा। मतलब मेरा मतलब खराब वाले अच्छे नहीं उठा लेना। कितने हो गए? 200। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, जरा बात करता हूँ भाई से। माइकल भाई जान। हाँ हाँ, क्या हुआ? 2500 रुपए हो गए। 2500 कहाँ से हो गए? ओ यार वो कह रहा है भाई पे यकीन नहीं है तुझे। अच्छा चलो ठीक है यार, पर बहुत ज्यादा है, थोड़े कम करवा। हाँ कम करवाता हूँ। वो एक काम करना, तू दे दे 2200 रुपए दे दे, ठीक है, काम बन जाएगा। चल ले ले, ठीक है ले ले। ठीक हो गया, ठीक हो गया, डन हो गया जी। ये लो भाई 200 पकड़ो, 2000 की झाड़ी भी बन गई मेरी। ये लो 200। क्या 2000 के कह रहे हो भाई? 2000 रुपए। 2000 रुपए किधर? दो ना 2000 रुपए। क्यों दो भाई? 200 पकड़े तो मैं खुद बोल रहे हो 2000 रुपए दिहाड़ी, क्या कह रहे हो? पता नहीं। नहीं कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारे काम की चीज नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बैठ गया गंजू, ठग लगवाया है? ओ बैठ गया हूं, बैठ गया, और कोई ठग नहीं लगवाया मैंने। चोरों की हुकूमत आई हुई है, महंगाई बढ़ती जाएगी, तू देख जरा, महंगाई बढ़ती जाएगी। बस तू 500 के फ्रूट 2500 में लेके आ जा कर, ठीक है? ओ कोई नहीं भाई, इतने के फ्रूट है, उतर के जाके अंकल से पूछ ले, ठीक है? अंकल से पूछ ले, उससे ज्यादा तो तू मुझे अंकल लग रहा है। बकवास बंद कर रहे, अभी तो मैं जवान हूँ। अंकल से पूछ ले, 45 साल का हो गया और तुझे 20-20 साल के 10-10 साल के लोग ठग रहे होते हैं। बकवास बंद कर रहे यार, क्यों दिमाग खा रहे है? इतनी महंगाई हो गई है, तुझे कुछ पता ही नहीं है यार। जी पापा महंगाई वो तो होगी, सारे फ्रूट मैंने यार आज 2000 के मिले ना तुझे। हाँ। कल तू देखी, कल तुझे यही 5000-6000 से नीचे नहीं मिलेंगे। हाँ तुझे जो लोग ठग रहे होते हैं तो इसी तरह ही मिलेंगे तुझे, है ना? 5000 के, कभी 50000 के, कभी लाख रुपए के फ्रूट ले आएगा तू, है? ओ बकवास बंद करो यार। जी पापा ऐसे ही महंगे होते हैं, फ्रूटों वालों का हक होता है। हाँ जी हक होता है, तू बकवास ना किया कर। तुझे तो एक पेंसिल लेने भेजो, तू 100 रुपए की एक पेंसिल ले आता है, बोलता है जी आपका हक है, आपने दरख्त काटा है उसमें से पेंसिल बनाई है, ये किया वो किया, तुझे क्यों इतना सोचना पड़ता है भाई उनके लिए? तू अपने काम से काम रखा कर, 5 रुपए की तुझे पेंसिल दे रहे होते हैं, तू 100 रुपया दे रहा है, आपका हक बनता है? बड़ा तू शेर लगा, तेरे बाप की पैसों की फैक्ट्रियां है ना? पापा पैसों की फैक्ट्रियां नहीं होती। अच्छा मुझे नहीं सिखा, ठीक है ना? ओए बच्चे को ना डांट, ठीक है? बच्चे को ना डांट, जब तेरी साइड ले रहा तब ना डांट, जब तेरी साइड ना ले तब इसको डांटा कर। डांटा कर, वो हक पे है फिलहाल, ठीक है? हक पे छोड़ तू।
हक पे नहीं हक पे बोला है मैंने, जलील आदमी। देख भाभी का क्या कसूर था, उस बेचारे फ्रैंकलिन का क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि गलत आदमी से पंगा ले लिया उसने। हाँ गलत आदमी से पंगा ले लिया। देख तू बहुत फुदक रहा है अब, मैं तुझे बता रहा हूँ तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। गुस्सा दिला रहा है क्या कर लेगा तू, मुझे बता कर क्या लेगा तू? यार मामू की वजह से देखे ना दोनों भाइयों में लड़ाई डाल। ओ माटे को बारे चुप हो के बैठ, क्यों बोल रहे हैं खुसफुस कर रहे, चुप हो जा। आपस में बात कर रहा हूँ। आपस में किसके साथ बात कर रहा है, कौन बैठा हुआ है आपस में जिसके साथ बात कर रहा है? मुझे लगता है किसी चक्कर में पड़ा हुआ है। यूट्यूब में बात कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ चुप करके बैठ जा, बोली नहीं। जी जी बड़ा है तेरा साला। अगर भाभी को कुछ हुआ ना मैं तुझे बता रहा हूँ मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे, हैं इतनी औकात होगी है तेरी हैं? ओ ज्यादा बकवास कर रहा, मेरे नीचे काम करता नौकर है, नौकर बन के रहा ठीक है ना। देख मुझे मजबूर नहीं करके खबरें छपे अखबारों में कि भाई ने भाई का कत्ल कर। मजबूर तो तू पैदाइशी है, मैं तुझे बता रहा हूँ मजबूर लाचार घटिया चीप आदमी मंगता आदमी है तू। मंगता आदमी सीने में गोलियां उतारूंगा तेरे, चुप हो जा। सीने में गोलियां उतारेगा चाचू ये कपड़े या गोलियां जो तार देंगे देंगे बेटा चुप। बात तो सही है बेटा, बिल्कुल बात जबरदस्त की है तुमने। ये आ गया भाई, ये आ गया, ये आ गया भाई, आ गया मुझे नजर आ रहा है ठीक है चुप हो जा। तुझे नहीं दिखा रहा मैं, अपने गाइस को दिखा रहा हूँ। अच्छा अपने गाइस को दिखा रहा हूँ, दोनों गाइस के साथ लगे रहते हैं। बाप बेटा पागल, एक तोतला एक लांती मुंह वाला, क्या बोलूंगा मैं। बाहर निकल तू, बाहर निकल। हाँ निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। क्या कर, ज्यादा ही बकवास कर रहा है, ज्यादा ही बकरा तू है। हाँ बकूंगा, ज्यादा नहीं बोल, पीछे हट मैं कह रहा हूँ। पीछे हट, शोर हर कोई मचा सकता है ठीक है, हर कोई मचा सकता है। मैं हाथ भी चला सकता हूँ ठीक है, हाथ भी चला सकते हैं, हाथ भी हर कोई चला सकता है। आजा बेटा जिमी, और मैं गोली चलाऊंगा सीधा सर पे। छोड़ दे ऐसे मनहूसों को, छोड़ दे ऐसे मनहूसों को। इधर आ बात सुन मेरी। क्या बात सुनो? मेरे से आराम से एक थप्पड़ खा ले, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। चुप करके बैठ जा, चुप करके बैठ जा। बकवास बंद कर, देख मेरे से थप्पड़ खा ले नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा गुस्से में। कर बैठ, कर बैठ, जो करना तू कर ले, चुप कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर जी, मेरे से बात करें। आपको नहीं बुला रहा जी, मैम से बात। वालेकुम सलाम जी। मैम वो फ्रैंकलिन नाम का आदमी आया था, बॉडी बिल्डर सा बंदा है, तो yes. उसकी वाइफ का केस था जी, वो चॉकलेट वाले लड़के जी, चॉकलेट बॉय वो सामने बैठे हैं वो। जी जी मैं बात कर लेता हूँ। या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों की सजा। अस्सलाम वालेकुम यार फ्रैंकलिन। वालेकुम सलाम यार, तू इधर क्यों आया यार? गुस्सा ना दिखा, होले हो ठीक है ना। मैं तेरी वजह से मेरी बीवी जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है। ओ यार कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, दुआ कर रहे हैं ना हम सब लोग। मैं लाया हूँ फ्रूट्स वगैरह ठीक है, तो वो भी जरा भाभी को खिलाना ठीक है। हाँ यार ऑपरेशन चल रहा है उसका, तुम लोग नहीं, अल्लाह खैर करे, दुआ कर रहे हैं। जिमी भी आया है तो वो भी आ रहा है, सबर कर। वो किधर है, बुलाओ उसको यार। चलो यार गाड़ी को ताले लगाते हैं और फ्रूट निकालते हैं गाड़ी के अंदर से, जहाँ पर फ्रूट है। अपने प्यारे मामू से मिलता हूँ यार। मेरे मामू बड़े दुखी थे, सुबह सुबह रो रो के अस्पताल गए थे। चलो यार ये फ्रूट निकालता हूँ, माल्टे और सेब हैं, ये पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। गर्मियों के अंदर किधर माल्टे मिलते हैं, ये लगता है खराब पुराने माल्टे पड़े होंगे, वैसे तो मिलते ही नहीं हैं। चलो यार माल्टे उठा लेता हूँ। चलो यार एक ट्रे तो मैंने निकाल लिया, अभी एक ट्रे सारे खाएंगे फ्रूटों की। मोटू जी जी एक काम कर मेरा ठीक है जी, ये फ्रूट देने जा रहा है ना फ्रैंकलिन जी को। जी एक काम करी, अपने बाप को एक जोर की चमेट मारी मेरी तरफ। क्यों मारी, मैं बता रहा हूँ नहीं तो मैं तुझे चमेटे मारूंगा। मैंने क्यों किया? तूने जो भी किया तू आजकल बदमाश होता जा रहा है ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया ठीक है ना। हाँ जी जा मार उसे चपेट, नहीं तो मैं उसे मारूंगा। वाच करे फिर, आपको कैसे मारा था अभी उन्होंने? मेरे प्यारे मामू मैं आ गया हूँ। जिमी बेटा शुक्र है तू आ गया यार, तू होता है ना तो मुझे थोड़ा हौसला हो जाता है। ये ले फ्रूट लाया हूँ अपने मामू के लिए। हाँ बेटा रख दे, अभी मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा यार। खा लें खा लें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। नहीं होती मेरी तबीयत खराब बेटा, बेटा रख दो रख दो रख। यार गुस्सा नाराजगी अपनी जगह, लेकिन फ्रैंकलिन बुरे वक्तों में काम आया है मेरे, तो हौसला देना चाहिए यार बंदे को। अभी मैं बहुत गुस्से में था तो मैंने अपने दिमाग को समझाया यार, नहीं ट्रेवर ऐसे नहीं करना ठीक है, बुरे वक्त में काम आओगे तभी अगला बुरे वक्त में काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम यार, बस तुम लोग दुआ करो। वालेकुम सलाम, तू कहाँ से आ गया है? कहाँ से आ गया हूँ यार, मिलने आया हूँ अपने भाई से। कौन भाई है तेरा है? तू मेरा भाई है यार। मैं तेरा कोई भाई शाही नहीं, अगर मैं इस हाल में आज पहुंचाऊँ ना तुम दोनों की वजह से हूँ यार। ओ बस कर, हम दोनों की वजह से, तेरे अपने करतूत है, तू क्यों फायरिंग करने आया था हमारे घर पे? मैं अपनी बहन का हक दिलवाने आया था उसे। तूने मेरी, तूने अपनी बहन से एक बार भी पूछा है कि उसने मेरे साथ क्या किया है? मैंने नहीं पूछा, मैं नहीं पूछूंगा। उसने मुझे मारा था, मैंने मुंह पे मुक्के मारे हैं उसने, मुक्के मारा बिल्कुल, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था।
अभी देखो देख रहा है जिमी तू ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इस मुसीबत की घड़ी में भी मुझे डांटने लगे हुए। जिमी बेटा तू बोल इनको कुछ ना करें। फ्रैंकलिन हौसला रख यार, ऐसे ही तू किसी के ऊपर इल्जाम डाल रहा है यार, चुप हो जाओ यार फ्रैंकलिन, क्यों रो रहा है? ऐसे इल्जाम नहीं डाल, तेरा अपना कसूर भी था, ऐसा ना कर। चुप हो जाओ, जब तक मेरी बीवी ठीक नहीं हो जाती तुम लोग चुप हो जाओ। अगर उसको कुछ होता तो मैं तुम दोनों को कोर्ट में घसीटूंगा। चले मैं बच्चे के वालिद को मुबारकबाद दे के आती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ, बच्चे के कपड़े ले आए ताकि सफाई करो अच्छी तरह, जम साफ करो। ये कर रहा हूँ ना बाजी। एक तो बदतमीज लोग रखे हुए हॉस्पिटल में इन्होंने। फ्रैंकलिन कौन है? ओ जी मैं हूँ फ्रैंकलिन जी। जी आपको मुबारक हो, आपका बीवी हुआ है। उसके लिए कपड़े ले आए जरा। जी मैं ले आता हूँ कपड़े, बिल्कुल अभी जाता हूँ, बस ले आता हूँ। और मेरी बीवी ठीक है? जी ठीक है, ब्रांडेड कपड़े लाइएगा। क्यों बच्चा आपका है कि मेरा ब्रांडेड लाऊंगा? ब्रांडेड कपड़े लंडे से ही हम लेंगे, हमने तो चारे कपड़े लंडे से ही लेने होते हैं। नहीं बेटा मैं ब्रांडेड ले आऊंगा, मसला नहीं है। हाँ खुद ब्रांडेड कपड़े लाएंगे बच्चे के लिए। जी जल्दी ले आए जरा। हाँ हाँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। मुबारक हो फ्रैंकलिन, खैर मुबारक हो। खैर मुबारक भी खुद ही कह रहा है यार, आज मैं बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजा माइकल गले नहीं मिलेगा यार तू। हाँ हाँ मुबारक हो यार फ्रैंकलिन, मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। चलो यार मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ, ठीक है? चल ठीक है, कपड़े लेके फिर आई ठीक है, बच्चा जरा देख के आ। हाँ यार देख के आता हूँ, देख के आता हूँ, बस कपड़े लेके आऊँ फिर देखाता हूँ। चलो यार कपड़े तो मैं ले आया हूँ, बस ये मैं जाके नर्स को दे दूँ जरा। ओ यार ये तो कोई और वार्ड है यार, कैसे कैसे लोग हैं यार इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बच्चे के कपड़े देने आया था। जी जी ठीक है, पकड़ा इधर टेबल पे रख दे। हाँ ठीक है जी, जब बच्चे को कपड़े पहना दिए तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? जी जी हम थोड़ी देर तक बच्चा बाहर लेके आते हैं, आप जाएं। बाहर किधर ले आता है, मुझे बुलाइएगा। माशाल्लाह यार बच्चा तो भाभी पे गया है, काफी खूबसूरत है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पे भी गया यार, नक्श देखना कितने प्यारे नक्श है। हाँ 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 काफी माशाल्लाह तगड़ा सेहतमंद बच्चा लग रहा है। रंग में भाभी पे गया, सीधी सी बात है। ये बात तो है। सारे क्या शोर मचा रहे हैं, प्लीज बाहर जाएं। चलो भाई बच्चा तो हमने तुम्हारा देख लिया फ्रैंकलिन, अब हम जा रहे हैं ठीक है घर। हाँ ठीक है जाओ, मेंडा बाजी को बताना ठीक है, उनको भी भेजना हॉस्पिटल। भेज देंगे यार। चलो यार मैं जा ही रहा हूँ, तो कोई अच्छा काम कर दूं यार, फ्रैंकलिन का बिल दे देता हूँ, उसके पास इतने पैसे कहाँ ही होंगे। जी बिल कितना हो गया? 70,000। 70,000 अच्छा चलें ठीक है, 70,000 आप रख लें ठीक है। और 3,000 ऊपर भी बनता है, 3,000 भी रख लें ठीक है। जी चलें, बस 1,000 जो ऊपर का है वो भी रख लें ठीक है। ओके हाँ ओके ओके कर रही है, रख पहले लिया है। चलो यार अभी मैं जाता हूँ घर, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, शोरूम का काम भी देखना है। बट ट्रेवर लोग यार आएंगे कैसे, ये पीछे दो फ्रूट के और क्रेट्स भी पड़े हैं यार, ये भी उतार देते हैं थोड़ी देर में। बट मेरा दिल कर रहा है घर ले जाऊं, खुद ही खा लूंगा अभी, क्योंकि एक क्रेट तो उतार लिया था उसने, एक ट्रे। तो अभी जल्दी से मैं जा रहा हूं यार घर, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, शोरूम को भी देखना है। तो वैसे तो अभी आप लोगों को पता है, शुक्र है यार ये सीन ओके हो गया, क्योंकि मुझे लगा था यार अब भाभी की कोई बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसे वो गिरी थी ना यार ज़ोर से बेहोश होके, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया नऊज़ु बिल्लाह। बहरहाल जो भी है यार अल्लाह का शुक्र है, अब वो सेफ़ है और बच्चा भी सेफ़ है, तो माशाल्लाह से सब ज़बरदस्त हो गया है और अल्लाह इनको सेहत दे। तो यार मैं अभी जा रहा हूँ शोरूम, क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत सारे काम है, गाड़ियों का देखना है, नई शिपमेंट वगैरह आनी है, क्योंकि शोरूम का काम वगैरह जो है वो मुकम्मल हो गया था। तो अभी जाते हैं यार शोरूम जल्दी से, रात तक ही पहुँचूंगा वैसे तो मैं। जिमी जो है अपने चाचू ट्रैवर के साथ आ जाएगा, तो मैं जा रहा हूँ भाई घर। भाभी किन्नू खाएं किन्नू? हाँ वो तो मैं खा रही हूँ, लेकिन ये इसके अंदर कुछ है, न्यूट्रिएंट्स होंगे। अरे ये तो चल भी रहे नहीं, ये तो कीड़े हैं। ओ ये सस्ते के चक्रों में क्या ले आया मैं, इधर तू रुक, तू मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ यार, ये फ्रैंकलिन पीछे पड़ जाएगा मेरे। चलो मैं जाता हूँ यार घर, रॉन को मैंने कॉल किया, वो अभी बाइक लेके आया होगा, मैं निकलता हूँ फौरन, अभी फ्रैंकलिन पीछे आ रहा होगा मेरे। क्या हो गया मुझे मामू, मेरे प्यार नहीं करते, मैं इतना बूढ़ा हूँ। बेटा क्या हुआ यार, क्यों रो रहा है तू? वाचे ही रो रहा हूँ, रोना आ रहा है वाचे ही। क्यों रो रहा है मेरे मोटू? वाचे रोना आ रहा है मामू, मुझे प्यार ही नहीं कर रहे, जब चून का बच्चा पैदा हुआ है वो इसको ही प्यार करी जा रहे हैं। बेटा वो बहुत प्यार करता है तुझसे, लेकिन अब उसका बच्चा पैदा हो गया है, अब कहाँ प्यार करेगा, अब वो अपने बच्चे को प्यार करेगा, तुझे कहाँ प्यार करेगा वो? मैं क्या प्यार नहीं हूँ? बेटा तू इतना प्यारा है माशाल्लाह, मुझे वो उनका बच्चा ज्यादा प्यारा ना, नहीं इसके लिए यूज का प्यार कर रहे हैं वो। यार देख रहा भाई क्या, तू ज्यादा प्यारा है मेरे बच्चे, तू ज्यादा प्यारा है, बस मतलब की दुनिया है बेटा। अब उसका अपना बच्चा पैदा हो गया, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें शवारमा खिलाता हूँ। किधर जा रहे यार, रुकना वाच यूज को प्यार करते हैं। रुक जा जी, नहीं रुक जा।
चले यार ट्रेवर भाई की कॉल आई है, पता नहीं सुबह से कहाँ गए हुए हैं यार, मुझे तो बताया कि नहीं गए, सुबह से निकले होते हैं बस ऐसे ही तमाशा करने, सुबह गोलियां चला रहे थे घर के ऊपर और तब से गए हुए हैं पता नहीं कहाँ। हॉस्पिटल का भी उन्होंने मुझे एड्रेस बताया, ये जो पोलिटो बे का हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर वो खड़े हुए हैं, ये सामने खड़े हुए हैं ट्रेवर भाई। इधर आ जा, इधर ले आओ रोन। इन्होंने तो मुझे 125 का कहा था, मैं ये गाड़ी ले आया हूँ। जी गाड़ी क्यों लाया तू? आपने ही कहा था वो ले आओ गाड़ी। मैंने मोटरसाइकिल बोली थी, गंजे जलील नीचे उतर। अच्छा ना, मोटरसाइकिल पे कैसे बैठेंगे हम लोग हैं? इसको भी लेके जाना है ना? हाँ इसको भी साथ लेके जाना। मेरा नहीं जाना। चल शाबाश आ अंदर बैठ। जी बैठ रहा हूँ। चाचू मैं आपको एक बात बताऊँ? हाँ बता बता। मेरे साथ आज तक दुनिया में किसी बंदे ने प्यार नहीं किया था, लेकिन मेरे मामू मुझे प्यार करते थे। हाँ बेटा तेरा बाप तुझसे प्यार नहीं करता, तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती जिसने बचपन से तुझे पाला है, ठीक है? तेरी बहन तुझसे प्यार नहीं करती जो बचपन से तेरे साथ खेली है, ठीक है? वो तुझे प्यार करता है जिसका अपना बच्चा पैदा हुआ तो तुझे छोड़ के वो गया है? वो नहीं गए, उनका बच्चा उनको ज्यादा प्यारा लगता है मेरे से। हाँ और तेरे माँ बाप को तू ज्यादा प्यारा लगता है सबसे। अभी मुझे भूल गया मामू। भूल जाते हैं बेटा, मतलब ही दुनिया है, बस माँ बाप अपने होते हैं मुखलिस, और कोई भी मुखलिस नहीं होता। मैंने समझा था मुझे अभी भी प्यार करते रहेंगे मामू, मैं इतना खुश हो रहा था। क्या खाएगा बेटा? मैं खाऊंगा आलू गोश्त, अपने मामू के साथ खाऊंगा। यार बेटा नहीं आ सकता तेरा मामू, यार दिमाग खा रहा है कब से, मेरे सर में दर्द हो गया यार। मेरे मामू को मेरा ख्याल ही नहीं आ रहा था, आज मेरे से पूछ ही नहीं रहे थे। पहले दोपहर को टाइम होता था, मुझे कहते थे जिमी बेटा क्या खाएगा, और आज उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि पानी पिया तूने बेटा कि नहीं। ये होटल आ गया, यहीं खिलाता हूँ तुझे, ढाबा आ गया, ठीक है? चुप हो जा, शोर नहीं मचा, अल्लाह का नाम है, तुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है? तबीयत खराब हो जाएगी इस तरह तेरी, रो नहीं प्लीज। ये मुझे लोना आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं खाना बेटा, इतना बड़ा हो गया तू अब भी रोएगा तू? मैंने अपने मामू के साथ रोटी खानी है। यार रो तू ही कुछ इसे समझा यार, पागल हो गया। मैं क्या समझाऊं यार, ये होता है ऐसे इमोशनल हो जाता है बंदा, क्या करें। जिमी बेटा खाना यार कुछ। मैंने नहीं खाना। यार बेटा खा, ऐसे अगर किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें, नहीं तो भूखा मर जाएगा यार तू। मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने अपने मामू के साथ रोटी खानी है। यार तेरी पसंद का आलू गोश्त भी आ गया, अब तो खा ले प्लीज। वो मामू के साथ ही खाऊंगा मैं। यार चल अपने मामू को कॉल कर ले, काम कर उसे भी यहीं बुला ले, 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा ये ठीक है ना, पहले बताते वाचे इतना रो रहा था मैं। मेरा फोन टेबल में पड़ा है, उठा ले। जी जी दे इधर फोन, जे फोन करता हूँ। नंबर तो पता है ना उसका, मेरे पास सेव नहीं है। हेलो मामू, नंबर 1 जा रहा है मामू का। बेटा मुझे पता था तेरा मामू इसी तरह लालची है, नहीं फोन उठाएगा, वाजा बैठ खा। अब वो तेरा मामू नहीं रहा, वो एक बच्चे का बाप बन गया, ठीक है? मैं अभी ऐसे ही रोता रहूंगा, मेरा कोई होना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जिमी पकड़ रोन, इसे पकड़।